के अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस के थे और इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और आपको ये भी बता दें पीएमओ की तरफ से राहत का ऐलान किया गया है। जो मृतक है उनके परिवार के लोगों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान पीएमओ की तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब जम्मू के अखनूर इलाके में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बस में 60 तीर्थ यात्री सवार थे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन जम्मू और राजौरी को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरने के दौरान वो बस बेकाबू होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने की वजह से बस के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस की टक्कर से एक बड़ा पेड़ बीच से टूटा हुआ नजर आया। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये जो जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर लोगों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। ये यात्री करने तो जा रहे थे बाबा शिव के दर्शन, लेकिन रास्ते में ही बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई। कहा यह जा रहा है कि नियंत्रण जो था वो ड्राइवर खो चुका था, जिसकी वजह से ये गहरी खाई में बस गिर गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है और एक बड़ा हादसा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो, वो खुद यहाँ पर ट्रैफिक यहां पर जो एसडीआरएफ की टीम के साथ उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया है। इस भीषण हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई क्योंकि उस बस में 60 तीर्थयात्री सवार थे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद फौरन वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ और पुलिस के जवान के अलावा आसपास रहने वाले लोग घायलों को खाई से निकालने में जुट गए। कई घंटों तक वहां बचाव अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। वहीं बीजेपी नेता रविंदर रैना ने जीएमसी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाक्या पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं। अपनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया। दोनों नेताओं ने हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। अखनूर में हुई बस त्रासदी के घायलों से डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू भी जीएमसी अस्पताल जाकर मुलाकात करते हुए दिखे। इस बीच एडीएम जम्मू को दुर्घटना के कारणों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। पीएमओ की तरफ से भी अखनूर हादसे पर दुख जताया गया और हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया।